हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बाजरे की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ठंडी का सीजन हो और घी से चुपड़ी हुई बाजरे की रोटी मिल जाए तो शरीर में गर्माहट आ जाती है, तो इसे हम हेल्दी भी कहेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बहुत ही आसानी से ट्रेडिशनल तरीके से पतली पतली और फुली फुली बना के दिखाएंगे, तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ट्रे में हम लेंगे एक कटोरी बाजरे का आटा। आटा आप घर पे बनवा लें या मार्केट में भी इजीली आजकल मिल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसे हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। आटा गूंदने के लिए हमने पानी लिया है। पानी उबालने के बाद हमने गुनगुना होने तक ठंडा कर लिया है। कभी भी आप बाजरे की रोटी बनाइए तो गर्म पानी से आटा को गूंदिए। थोड़ा थोड़ा आटा को हाथ से ऐसे मिक्स करते हुए पानी डालिए, तो ऐसे हम आटा गूंदेंगे। तो हमने बाजरे के आटे को गर्म पानी से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं इसका डो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। यानी कि एक कटोरी आटा गूंदने के लिए हमने 1/4 ग्लास पानी का यूज किया है। आटा को हमने गूंद लिया। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम इसकी रोटी बनाना आपको दिखाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम डो को चेक कर ले रहे हैं। तो अपना आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें से एक रोटी के बराबर बॉल तोड़ लेंगे और इसको साइड रख देंगे। फिर हम हाथ में थोड़ा सा पानी यानी कि हाथ को गीला करके और जो रोटी बनाएंगे उस डो को फिर से हम एक बार अच्छे से ऐसे मसल लेंगे। जितने अच्छे से हम मसलेंगे रोटियां ज़्यादा फटती नहीं हैं और फूलती भी हैं, तो हम ऐसे करके मसल लेंगे। आप ऐसे मसल सकते हैं, ऐसे मसल सकते हैं। अब हम इस लोई को ले लेंगे और हथेलियों पे ऐसे गोल करेंगे। तो रोटी कई तरीके से बनाया जाता है। इसे प्लास्टिक पेपर पे रख के भी बनाया जाता है, हाथ की मदद से बनाया जाता है और बेलन पे भी बनाया जाता है। तो हम आपको थोड़ा हाथ पे थोड़ा बेलन पे करके दिखाएंगे। हमने आटे की लोई तैयार कर ली है। अब हम एक रोटी बनाने वाला चौकी लेंगे, उस पे लोई को रख देंगे और हम थोड़ा सा ये गेहूं का आटा लेंगे। इसको हम नीचे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। फिर हम इसे ऐसे ऐसे करके जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे पहले हम हाथों से फैलाएंगे जितना फैल सके। तो ऐसे हम फैलाते हुए इसे आप देख सकते हैं एक धीरे धीरे फैलते जा रहा है। तो आपसे जितना बड़ा फैल सके ऐसे फैला लीजिए हथेलियों से दबाते हुए। तो आप देख सकते हैं हमारी इतनी बड़ी रोटी हमने हाथ से फैला के कर लिया है। अब हम इन 4 अंगुलियों की मदद से ऐसे दबाते हुए इसे फैलाएंगे। आपको जितनी बड़ी लोई है उस अनुसार रोटी को फैला दीजिए ऐसे धीरे धीरे। ये बहुत आसानी से फैल जाता है क्योंकि आटा अच्छे से माड़ा गया हो तो बाजरे की रोटी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब एक बार हम धीरे से ऐसे उठा के उलट लेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और थोड़ा और इसे फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एकदम गेहूं की रोटी की पतली जैसी रोटी बनानी है। पर हमें बेलन यूज नहीं करना है, हम हथेलियों से ही इसे
रोटी का सेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाजरे की रोटी कितनी बड़ी तैयार हुई है। हम भी गेहूं की रोटी इतनी ही बड़ी बनाते हैं और इतनी ही बड़ी हम बाजरे की रोटी बनाए हैं, उतना ही डो भी लिया था हमने। तो आप देख सकते हैं रोटी बनाना कितना आसान है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तावा गर्म होने के लिए रख दिया है। तावा हमें ज्यादा गर्म नहीं चाहिए ना ज्यादा ठंडा चाहिए, मीडियम ही तवा चाहिए। अब हम आपको रोटी कैसे डालेंगे वो दिखा रहे हैं। हम ऐसे हथेलियों पे धीरे से रोटी को ले लेंगे, रोटी को धीरे से ऐसे डाल देंगे और इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे सेकने देंगे। एक तरफ से रोटी सिक चुकी है। अब हम एक स्पेचुला की मदद से ऐसे घुमाते हुए और इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड की रोटी अपनी अच्छे से सिक चुकी है, यानी कि हल्की चीती आ जानी चाहिए, तब तक हमें सेकना है। फिर हम दूसरी साइड से इसे सिकने के बाद आपको दिखाएंगे। चलिए हम रोटी को फिर से उलट के चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम इसे फिर से उलट देंगे और इस स्पैचुला से ऐसे प्रेस करते हुए इसे पकाएंगे। हम इसे ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड से एकदम करारेदार सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से उलट उलट के रोटी को कितनी अच्छी सेक लिया है। तो ये बाजरे की रोटी बनाना कितना आसान है। अब हम इस गरम गरम बाजरे की रोटी पे देसी घी डालेंगे। तो एक रोटी पे हम 1 से 1.5 चम्मच डाल के और घी को फैला देंगे, तभी रोटी खाने का मजा आता है। अब चलिए हम दूसरी रोटी सेक लेते हैं। तो वैसे ही हम थोड़ा सा डो में से निकालेंगे, थोड़ा सा हथेलियों में पानी लेके इसे अच्छे से मसल लेंगे। फिर हम इसे ऐसे लोई बनाएंगे मसलते हुए। ये बिल्कुल गेहूं वाला ही प्रोसेस है। तो ऐसे हम अच्छे से एक लोई बना लेंगे। फिर हम इसे हथेलियों की मदद से फैलाएंगे, जितना फैल सके। हम चाहेंगे कि अंगुली और हथेली से फैला लें। फिर हम रोटी के चौकी पे रख के इसे बनाएंगे। हमने हथेली से रोटी को इतनी बड़ी साइज में तैयार कर लिया है। अब फिर से हम ऐसे सूखा आटा डस्ट करेंगे, उस पे रोटी रखेंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और अंगुलियों की मदद से इसे ऐसे फैलाएंगे। तो हमने डस्ट करके आटा का और ऐसे रोटी को फैला लिया है। अब हम एक बार इसे फिर से ऐसे उलट लेंगे और थोड़ा सा आटा फिर से हम डस्ट कर लेंगे और इसे सेम प्रोसेस से फैला के रोटी का आकार देंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी अपनी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसे भी हम हाथ पे ऐसे धीरे से ले लेंगे और तावा की तरफ चलेंगे। तावा पे हम धीरे से रोटी रख देंगे और सेम प्रोसेस से इसे भी सेक लेना है। एक साइड से रोटी सिक चुकी है। अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम मीडियम फ्लेम पे इसे सेकने देंगे। ध्यान रहे बाजरे की रोटी को हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकते हैं तो अच्छे से सिकती है। तेज फ्लेम हो तो ऊपर की परत जलने लगती है और नीचे से कच्ची रह जाती है। तो चलिए हम रोटी को दूसरी साइड से भी उलट लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया रोटी अपनी सीख चुकी है। हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बाजरे की रोटी को सेकेंगे। रोटी अपनी अच्छे से फूलने भी लगी है, आप देख सकते हैं रोटी फूल चुकी है। इसे
इसे हम फिंगर से फ्लिप कर लेंगे। ऐसे ही हम बाजरे की फूली फूली रोटियां तैयार कर लेते हैं आसानी से। ठंडी का सीजन आ गया है, हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो शरीर में गर्माहट बनी रहती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, बाजरे का आटा ताजी ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 दिन पहले का पीसा हुआ आटा यूज कर सकते हैं। ज्यादा पुराना आटा हो जाए तो उसकी रोटियां अच्छी नहीं लगती, खाने में कड़वी लगने लगती है। रोटी बनकर तैयार है, चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हम सभी रोटियां तैयार कर लेंगे। गरम गरम रोटी के ऊपर हम देसी घी चुपड़ लेंगे, तभी बाजरे की रोटी का स्वाद आता है। तो ऐसे हम ढेर सारा घी लगाएंगे और तब तक हम बाकी के सभी रोटियां तैयार कर लेते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से बाजरे की पतली पतली फूली फूली रोटियां बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये बाजरे की रोटी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।